और खबर विकास नगर से पुलिस क्षेत्र अधिकारी के द्वारा होटल स्वामियों से की गई मीटिंग। संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बाजार चौकी में होटल व्यवसायियों की एक मीटिंग ली गई। उन्होंने होटल सराय चलाने वाले लोगों से कहा है कि जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हो रखी है जो भी यात्री और कोई भी होटल में रुकता है तो उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि सभी की जांच करें और उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट करें। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकास नगर भास्कर साह का। होटल मालिक से क्या कहना चाहिए? आज हमने शहर के सभी होटल व्यापारियों की मीटिंग दी गई, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि आपके होटलों में जो भी आगंतुक आए, जो भी यात्री आए, जितने यात्री आए उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, उनकी आईडी लें और मोबाइल नंबर लें, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करें, सब पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ये अवगत कराया गया, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई उसमें अनियमितता पाई जाती है। कल दिन सर आपने चेक इन अभियान भी चलवाया था, उसमें कुछ कमियां भी पाई गई होटलों में? कल हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था, कल एक इन्फॉर्मेटरी अभियान था वो, कि उनको सचेत करने के लिए ये अभियान चलाया गया था और नियमित रूप से अब ये अभियान चलेगा, जिसमें हम दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। सर कितने होटल हैं यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है लगभग? अब हम इसको चेक करेंगे कि उनके पास सराय एक्ट और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत जो उनके पास कागजात हैं या नहीं। सर होटल मालिकों ने यहाँ पे बताया गया कि अवैध धंधे भी चलते हैं यहाँ पे, अब इस पर हम सतर्क दृष्टि रखकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।